खुशबू स्कूल जा रही हो? वेरी गुड माशाल्लाह। वाली वाह, आखिरी दफा बाल झटक लो, जुओं को खाली कर दो। ऐसे लग रहा है दरख्त सारे खिल उठे हैं बारिश की वजह से और मौसम शानदार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। कराची में शानदार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और लगातार बारिश होती जा रही है। हम ऊपर आए थे मैं और मिशू। यस, मिशू भी इंजॉय करी बारिश में। ये देखें और क्या ज़बरदस्त हसीन मौसम हुआ हुआ है। वाह 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 वाह। यस भाई, हम तो ऊपर आ गए। अली को अपने बोला भाई नीचे से पकोड़े बनवाओ मम्मा से, और पकोड़े समोसे बना के ऊपर आ जाओ। शानदार बारिश हो रही माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें कैमरे में पता नहीं दिख रही नहीं दिख रही, ये देखें। वाह गुड़िया रानी क्लीन कर रही है भाई। भाई भाईजान आ गया है चिप्स बनवा के। चिप्स मतलब है कि पकोड़े बनवा के। अली जितनी देर में आ पाया बारिश बंद हो गई है यार। मिशू खाएगी पकोड़े? वाह, एक मिनट भी ऐसे नहीं करो गंदे हो जाएंगे। खोलो दिखाओ क्या क्या लेकर आया। वाह चटनी बनाई है। हाँ। चटनी मामा बहुत अच्छी बनाती है, उससे ज्यादा कौन बच जानते। ये देखो भाई आ गए हैं गर्मा गर्म पकौड़े। ऐसी बारिश हो रही हो, इतना जबरदस्त मौसम हो, साथ में ये यम्मी यम्मी पकौड़े हो, क्या बात है भाई। इसको करते हैं ट्राई। ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जबरदस्त पकोड़े और आलू के पकोड़े बने हुए, लेकिन ये बच्ची जो है वो ये लेस चिप्स ही खाती ऑरेंज वाले। अभी देखना इस पर भी केचप लगा के खा रही भाई। मिशू बोले मजेदार। बारिश तो शानदार हो गई, और बारिश की वजह से जो ट्रैफिक जैम हुआ है वो देखें सामने, पूरा ये पुल पूरा जैम हुआ। यहाँ से यूँ अल्लाह में गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, वो सामने जमा हुई हैं सारी। और माशाल्लाह हर चीज़ खुश है। ये देखें ऐसे लग रहा है दरख्त सारे खिल उठे हैं बारिश की वजह से और मौसम शानदार हो चुका है। इतनी ज़्यादा गर्मी हुई इस दफ़ा कराची में जितनी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन मालिक का करम हो गया, अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई शानदार सी और मौसम बेहतरीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मौसम है कि पंखे चलाने की जरूरत भी नहीं है। Tomorrow. तो भाई आज जो है वो एक है खुशी की खबर और एक है थोड़ी सी कम खुशी की खबर। पहले खुशी की खबर आपको मैं अपनी खुशी की खबर सुना देता हूँ कि मिशू जो है ना माशाल्लाह आज से स्कूल जा रही है। उसका स्कूल का फर्स्ट डे स्कूल खुल गए और ये मिशू आ गई है। ये पिजन आ गई। अच्छा पिजन आ गई भाई, खुशी की खबर ये माशाल्लाह जा रही है आज से स्कूल। और बाकी बच्चों की तरह माशाल्लाह ये रो नहीं रही है कि बच्चे बोलते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे और जाकर तंग करते हैं। ये माशाल्लाह एक्साइटेड हुई हुई है, फुल रेडी हो चुकी है। दिखाओ मिशू, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई फुल रेडी है। जब से उठी पापा मुझे स्कूल ले जाओ जल्दी से कह रही है, और अपना सब सामान वामान सब रेडी करके बैठी हुई। क्या बोल रही थी आप? मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जा रही हूँ माशाल्लाह, खुश हो आप? वेरी गुड भाई। दूसरी जो कम खुशी की खबर थी वो भी सुना देते हैं आपको, वो ये है कि मेरी ड्यूटी जो है वो आज से हो जाएगी डबल, क्योंकि मिनाल को अली को जो है वो मैं छोड़ के आता हूँ 8 बजे। इसका स्कूल लगेगा 8:30 बजे। मैं उनको छोड़ के आज नहीं जा रही। यस, तो उनको छोड़ के आऊँगा, फिर इसको लेके जाऊँगा। उनकी छुट्टी होती है 2:45, इसकी होती है 11:30 बजे। तो मुझे इसको छोड़ के आने के बाद दोबारा थोड़ा सा जल्दी उठ जाना है, क्योंकि मिशू को लेने जाना है, फिर थोड़ी देर लेटूंगा, फिर उन दोनों की छुट्टी उनको ले जाऊंगा। ये थोड़ी सी दुख भरी दास्तान है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। खुश हो स्कूल जा रही हो? वेरी गुड माशाल्लाह। पापा मैं चलो खोलो। चलो भाई बोलिए, मैं गेट खोलूंगी। एक्साइटेड हुई है माशाल्लाह। स्कूल हम पहुंच गए माशाल्लाह। आज जो है वो बेगम को भी साथ लेकर आए हैं, फर्स्ट डे। मैंने बोला शायद तंग ना करे, लेकिन मुझे कह रही बाबा आप और मम्मा जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। आप अंदर जाओगी आराम से? yes. पढ़ोगी? yes. ये भाई हम अंदर चले गए। अंदर गए तो जाते ही उसने स्कूल के दरवाजे से बाहर से बोला भाई बाबा, और अंदर चली गई। पता नहीं कौन सी क्लास में गई है। हम अंदर गए तो टीचर ने कहा कि अंदर पेरेंट्स अलाउ नहीं है, आप लोग चले जाएं, हम उसको सही क्लास में ले जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करके छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से चली गई है। पहला दिन इसका माशाल्लाह करे अच्छा गुजरे। थोड़ी देर बाद लेने आऊँगा 11:30 बजे भाई। पूछा मैंने कुछ? तो भाई मिशू को छोड़ के आ गया, पहले अली को छोड़ा फिर मिशू को छोड़ा। अभी आपकी भाई को आ रही है टाइट वाली नींद, थोड़ी देर सो के फिर उठना है, मिशू को लेने के लिए जाना है। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए गुड हो गया जी। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम, किसी ने स्क्रिप्ट पढ़ ली? दिखाओ ये क्या है, दिखाओ दिखाओ। अरे अरे
वाह, इसके फ्रेंड्स हैं ये, क्या के फ्रेंड्स हैं। बाय बाय, चलो आलू। मैं जुलू कह रही हूँ। जुलू कह रही हूँ। जुलू भाई बिशु आ गई स्कूल पढ़ के। वेलकम टू N1। चलो कम खुद ही उतरोगी, मैं उतारू। माम से गिरोगी, माम से, माम से। जिनको देख के रमजान याद आ गया, रमजान में आते थे ना लोग ढोल बजाने वाले। एक बार दोबारा गुड मॉर्निंग हो गई। अभी अभी मैं उठा हूँ और जो सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये दो उठना सोना के चक्कर में सर में दर्द हो गया है। और एक और अलग सीन हो गया, वो सीन ये कि अली साहब जो है वो हीरो बन के गए थे, उन्होंने 2.5-3 महीने से बाल ही नहीं कटवाए कि स्कूल जाऊंगा, मसला नहीं होगा, 1-2 दिन तो रखूंगा। पहले दिन ही टीचर ने बोला आज के फौरन बाल कटवा के आना, कल बगैर बाल कटवाए नहीं आना। हाँ जी, आ गए हैं बाल कटवाने के लिए। नहीं बेटा, हीरोगिरी बहुत हो गई आपकी, बस शाबाश शाबाश, बहुत हो गई शाबाश, जल्दी करो। चलो चलो चलो, सब अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो, वाली वाह, आखिरी दफा बाल झटक लो, जुओं को खाली कर दो। अली ने शर्त रखी कि अली बाल कटवाते हुए आके बंद रखेगा, जब कट जाएंगे फिर खोलूंगा, क्योंकि ये अपने हसीन बाल कटते हुए देख नहीं सकता। तो मुझे इसने यहाँ पर कर दिया खड़ा, कह रहा बाबा आप यहाँ खड़े रहे, जैसी मैंने आके खोली तो रख देना चमाट। पापा टाइम लैप्स पे खड़ा देखे, चमाट रख दूंगा मैं, याद रहे सब गवाह हैं। ठीक है भाई, आप लोगों के सामने बोला, ओके टाइम लैप्स डन हो गया। ओके, अली का टाइम शुरू होता है अभी। मैं कौन सा गुदगुदी कर रहा हूँ। अभी हो रहा है जादू, दिखाओ ये। ठीक है, बाल कट गए माशाल्लाह, VVIP लग रहे हैं, क्या जबरदस्त काटे हैं सामने, जबरदस्त शाम भाई। असल में बात है कि अली को बाल इतने बड़े रखने का शौक नहीं, शौक असल में मुझे बाल मेरे हैं नहीं, तो मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के बाल बड़े हों। स्कूल वाले कहते हैं निकल, माशाल्लाह बाल बाल कटवा के तो हम आ गए। अली साहब जो है ना नहा धो के तैयार होके बैठ गया है, और मजे की बात है इतना दुखी क्यों यार, कुछ नहीं डाली, फिर आ जाएंगे बाल अपनी खेती, कोई मसला थोड़ी है। तो भाई आज हमारे घर में दावत भी है माशाल्लाह, वो जो मेरी भाजी की शादी थी तो दूल्हा दुल्हन की दावत की है हमने। ये भाई साहब जो है इंतजार नहीं कर रहा, लाइट तो नहीं, लाइट बंद कर दी भाई बच्ची ने। ये भाई साहब से इंतजार हो ही नहीं, इसने ना मेहमानों का इंतजार किया ना कुछ, खाना शुरू हो गया हमारा जो हो गया, भूख से भरा हाल हो गया। और क्या जबरदस्त खुशबू आ रही, ये यकीनन बिरयानी है। इसी लाइट खोलो बेटा प्लीज, क्या जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह। और ये क्या है जी, ये क्या है, धुआं गोश्त। वाह भाई वाह, ये है भाई धुआं गोश्त, धुआं तो नजर नहीं आ रहा इसमें, फिर ये कैसा धुआं गोश्त है, धुआं उड़ गया, गुड हो गया जी। ये भाई माशाल्लाह कबाब वबाब, और ये सबकी तैयारी है, बस मेहमानों का इंतजार है। मेहमान जल्दी से आए तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना खाए यार। तो भाई जिसका था इंतजार आ गया है वो शाकार, हंजला का वेट हो रहा था। हंजला भाई आ गए, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से ठीक ठाक हैं भाई। ये सारा खाना भी आपका वेट कर रहा है, बल्कि आपका क्या, हम भी आपके वेट कर रहे थे, आप आए तो हम ये खाएं भाई, फटाफट से हम खाना एंजॉय करें, भूख से बुरा हाल हो गया भाई। यमी यमी बिरयानी है, और भी इसको बोल रही थी क्या खीरा, ये टमाटो है खीरा नहीं मुन्नी, बैठ जाओ। चलो भाई विशु भी बैठ गई है। और भाई साहब आपने तो खाना खा लिया हमसे पहले, तू शाणे बन के बैठ गया इधर। भाई खाने में जो है वो बिरयानी पहले हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी है बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ा आया, मज़े की है। खाना वाना खा के हम फारिग हो गए, और इस लोग को यहीं से एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लोग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को कमेंट करना है कि मेरे येलो हेयर कट में बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या फिर मेरे लॉन्ग हेयर थे जो उनमें मेरा हेयर कट ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स को फुल कर दें। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।